मैं आज YouTube पर डॉक्टर के अग्रवाल साहब का एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने बताया कि इलाज ना होने के कारण, मतलब इलाज के अभाव में एक मरीज की मौत हो गई। वो मरीज कम से कम 14 से 15 हॉस्पिटलों में गए, लेकिन उसको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। जिस हॉस्पिटल में पहुंचा वो या तो बेड भरे हुए थे, या फिर उन्होंने बोल दिया हमारा हॉस्पिटल केवल कोविड के लिए, कोरोना वायरस के लिए, कोविड 19 डिसीज़ की बीमारी के लिए है, उनके मरीज़ों के लिए, हम और किसी चीज़ का इलाज नहीं करेंगे। जितने दूसरे हॉस्पिटल में गए उन्होंने भी यही बोल दिया कि हम केवल कोरोना वायरस के मरीज़ों का इलाज करेंगे। तीसरे हॉस्पिटल में गए उन्होंने भी बोल दिया हम केवल कोरोना वायरस के मरीज़ों का इलाज करते हैं। इस तरह से वो 14-15 हॉस्पिटलों में घूमा, लेकिन उसको ट्रीटमेंट नहीं मिला और वो उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। क्या कोई और बीमारी के लिए इलाज नहीं करवा सकता? किसी और बीमारी के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं करवा सकता? केवल कोरोना वायरस ही एक बीमारी है जिसके लिए बस उसी का ट्रीटमेंट होगा, ना कि अदर डिसीज़, अदर जो प्रॉब्लम है लोगों की, जो बीमार व्यक्ति हैं उनके लिए कोई और बीमारी का इलाज नहीं होगा। मुझे आप एक बात बताइए कि पहले भी लोगों को सर्दी जुकाम बुखार खांसी हुआ करते थे, मतलब अब जो सर्दी जुकाम बुखार खांसी है वो कोरोना है। पहले आपको इतने सारे वायरस हुए और होते रहे, हो रहे हैं और आ रहे हैं, आपके आजू बाजू वायरस घूम रहे हैं, लेकिन आपको कभी भी इन वायरसों से डर नहीं लगा। लेकिन आज वो कोरोना वायरस से आपको इतना डर लग रहा है क्योंकि आप उसका नाम सुन रहे हैं। शुरू से आपने केवल दिमाग में यही सुना है, कोरोना मतलब मौत, और आप डर रहे हैं। आप ये बताइए कि कोविड के अलावा क्या किसी को बुखार नहीं आ सकता? कोविड के अलावा भी मलेरिया के कारण बुखार आ सकता है, आपको टाइफाइड के कारण बुखार आ सकता है, डेंगू के कारण, यूटीआई इन्फेक्शन के कारण बुखार आ सकता है, किसी अदर वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण बुखार आ सकता है, आपको कोई किसी तरह की चोट लग गई उसके कारण आपको बुखार आ सकता है, आप गर्मी में घूम कर आए हैं, गर्मी में लू लगने के कारण आपको बुखार आ सकता है, आपको किसी प्रकार के फोड़ा फुंसी हो रहा है उनके दर्द के कारण आपको बुखार आ सकता है, आप पानी में भीग कर आए हैं और आपको बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है उसके कारण आपको बुखार आ सकता है, आपको ट्यूबरकुलोसिस यानी टीवी के कारण भी आपको बुखार आ सकता है, आपकी नींद पूरी नहीं हुई उसके कारण भी आपको बुखार आ सकता है, आपकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है उसके कारण भी बुखार आ सकता है, आपको हीमोग्लोबिन की कमी है उसके कारण भी बुखार आ सकता है। तो बुखार आने के बहुत कारण हैं। क्या अब बुखार आने का एक ही कारण बचा है? कोविड कोरोना वायरस बचा है? इसी तरह सर्दी जुकाम होने के भी कई कारण हो सकते हैं। आपकी कहीं धूल धुएं के कारण भी आपको सर्दी जुकाम हो सकता है, आप बारिश में भीग कर आएँ उसके कारण भी आपको सर्दी जुकाम हो सकता है, आपने कोई ठंडी चीज़ खा ली, आपने कोई नींबू पानी ले लिया, नींबू खा लिया, या फिर आपने फ्रिज का पानी पी लिया, या फिर आइसक्रीम या आइस खा लिया, तब भी आपको सर्दी जुकाम हो सकता है, किसी भी एलर्जी के कारण आपको सर्दी जुकाम हो सकता है, कई इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण भी आपको बुखार सर्दी जुकाम हो सकता है। तो सर्दी जुकाम होने के भी कई कारण हो सकते हैं। आप ये मत समझिए अगर मुझे सर्दी जुकाम हो गया तो मुझे कोरोना वायरस हो गया, और कोरोना वायरस मतलब आप समझ रहे हैं मौत। कोरोना वायरस मौत नहीं है, सर्दी जुकाम बुखार खांसी। मैंने पहले भी बताया कि 100% में जो 70-80% हैं उसकी जो उसका 5% लोग ही केवल डेंजरस है, उनको ही खतरा है मौत का, वो भी उनमें से भी उन्हीं लोगों का है जो पहले से ही किसी ना किसी बीमारी से संक्रमित हैं। तो आप बस जागरूक रहें, अपने शरीर का ध्यान रखें, इम्यूनिटी बढ़ाते रहें, आपको कुछ नहीं होगा। वैसे भी आपको तो हमेशा अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहिए क्योंकि कई तरह के वायरस आते जाते रहते हैं, आपकी बॉडी हमेशा लड़ती रहती है, आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता है, आपके जो अंदर सैनिक बैठे हुए हैं वो 12 घंटे 24 घंटे 12 महीने काम करते हैं, हमेशा काम कर रहे हैं, वो हमेशा लड़ रहे हैं, अपन को पता नहीं चलता है, और हम जब तक वो लड़ रहे हैं और वायरसों को भगा रहे हैं हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो रही है, हमारी बॉडी लगातार लड़ती रहती है, हमारे सैनिक हमेशा लड़ते रहते हैं। इसलिए आप बिल्कुल डरिए नहीं। मेरा आपसे एक सवाल है,
मेरा आपसे एक सवाल है, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखें उसका जवाब। क्या आप बताइए कि COVID-19 की वजह से सारी बीमारियां ख़त्म हो गई, किसी को और कोई बीमारी हो रही है कि नहीं? यदि हो रही है तो वो कहाँ इलाज कराएं? और कोरोना वायरस से डरना नहीं है बल्कि जागरूक रहना है। और यदि आपकी इम्यूनिटी वैसे ही कम है या फिर आप कोरोना वायरस से डर रहे हैं तो आपकी इम्यूनिटी वैसे ही कम हो जाएगी, और आप नहीं भी मर रहे तब भी आप मर जाओगे। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों का डर ज़रूर कम हो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।